हेलो दोस्तों, सबसे पहले सारे बच्चे प्लीज बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, सब लोग प्लीज बैठ जाएं, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ये शांतिपूर्ण धरना है, तो यहाँ पे सब लोग बैठ के धरना देंगे। बच्चे हमारे ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं यहाँ पे। मैंने देखा यहाँ पे सब लोगों ने काफी अच्छा बोला है, तो हमारे बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। ऑलरेडी सारी बातें आपको कम्युनिकेट हो चुकी हैं। मैं सिर्फ सारी चीजें एक लाइन में एक नारा की तहत लगाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उस चीज को उसी तरीके से लें, और आवाज इतनी आनी चाहिए कि सरकार तक पहुँच जाए। ठीक है? यस सर। ठीक है, हम इंजीनियर्स हैं सबसे पहले, और बच्चे हम लोग इंजीनियर्स में इतनी ताकत होती है कि किसी भी लाइन में जब घुसते हैं ना, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग बहुत ऊपर लेके जाते हैं। ये इसके लिए इतिहास गवाह है। यहाँ के इंजीनियर्स बाहर भी जाते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, और हर एक फील्ड में नाम कमाते हैं, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। तो आखिरकार ये रेलवे जो इतना बड़ा इंजीनियरिंग विंग है, उसमें इंजीनियर्स क्यों नहीं? इसी बात पे मैं सिर्फ एक लाइन में एक नारा लगाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप सभी लगाएं उस चीज को। हमें न लेना खेल में, इंजीनियर चाहिए रेल में। मैं नारा लगाने के तरीके बता रहा हूँ, क्या करना है मैं बोलता हूँ, आप भी वैसे करना। मैं बोलूंगा हमें न लेना खेल में, आपको बोलना है इंजीनियर चाहिए रेल में, ताली बजा के हमें न लेना खेल में, 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 हमें न लेना खेल में। धन्यवाद धन्यवाद। सर एक सारी, सर सारी के साथ, सर सर एक सारी के साथ, दूसरे बच्चे हमारे पास कोई शायरी वारी नहीं है, एक ही आजकल दिमाग ना एक ही लाइन चल रहा है कि IRMS हमारा है और इसमें हम होने चाहिए, बस। हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, और ना ही गलत कुछ समझना चाहते हैं, ना हम सरकार के विरोधी में किसी कुछ, हम रिक्रूटमेंट चाहते हैं बस। सरकार कोई भी हो, हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, हम रिक्रूटमेंट चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए रेलवे में पढ़ानी पता हूँ। ठीक है, इसी बात को हम कहना चाह रहे थे, ज्यादा कुछ हमारे पास कहने के लिए नहीं है, एक लाइन में भी कहता हूँ बस। ठीक है, और सारी बारी यार मैं बोलूंगा तो फिर आपका बोलूंगा। अरे सर बोलिए बोलिए सर।